अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करें। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इलॉन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।